क्या आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी बच्चा प्लेग्राउंड में खेलते वक्त गिर जाता है तो कौन से एरियाज में उसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं चोट लगने के? फर्स्टली उसकी नीज या एल्बोज में, सेकेंडली उसके चिन पे, एंड थर्डली उसका फ्रंट टूथ फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ये इतनी ज्यादा कॉमन इंजरी है, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम गुरप्रीत एंड हेयर इज डॉक्टर हिना। हेलो हेलो मैम, वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे अबाउट फ्रंट टूथ फ्रैक्चर्ड। तो ये मैम अगर हो जाता है तो क्या कैसे ये ठीक होता है, क्या करना पड़ता है? देखो, जैसे आपने बताया कि ये इतनी ज़्यादा कॉमन इंजरी है, हमारे पास स्कूल के बच्चे इस प्रॉब्लम के साथ बहुत आते हैं, या जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं तो उनका फ्रंट टूथ टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपका फ्रंट टूथ कितना टूटा है उस पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर वो मतलब जैसे दांत हमारा थोड़ा सा टूटा है तो उस केस में क्या करते हैं? देखो, अगर आपका दांत बिल्कुल थोड़ा सा टूटा है, यानी कि सिर्फ दांत की फर्स्ट लेयर फ्रैक्चर हुई है, तो ऐसे केसेस में हम दांत को दोबारा से बना देते हैं। यानी कि हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे हम कंपोजिट का यूज करते हैं, उससे हम आपकी दांत की शेप अगेन बना देते हैं। और अगर वो थोड़ा सा ज्यादा टूटा है तो? अगर आपका दांत दांत की सेकंड लेयर भी इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि डेंटिन इन्वॉल्व हो चुका है, तो ऐसे केसेस में भी हम कंपोजिट से दांत को बना सकते हैं। कंपोजिट की काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होती है। अगर किसी का दांत वाइट है तो हम वाइट कंपोजिट यूज़ करते हैं, किसी का दांत येलो है तो हम येलो कलर का कंपोजिट चूज करते हैं, और उसके दांत की शेप को मतलब कि हम उनके दांत को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट होता क्या है? कंपोजिट एक तरीके का फिलिंग मटेरियल है, आपने सुना होगा, लेजर वाली फिलिंग है ना। तो उसमें क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, पहले हम दांत की शेप बनाते हैं धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे उसको हार्ड करते जाते हैं, और पता भी नहीं चलता अगर आपका दांत बनाया हुआ है, बिल्कुल दांत के जैसा दिखता है, दांत के जैसा फंक्शन करता है, तो बहुत अच्छी लाइफ भी है कंपोजिट तो की। मतलब हम उससे कोई भी हार्ड चीज या कुछ भी खा सकते हैं आगे वाले दांतों से? आप आगे वाले दांतों से सपोज बर्गर खाते हैं, आप खा सकते हैं, आप एप्पल बाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपको इस तरह के फोर्सेस नहीं देने होते हैं। यानी कि सपोज अगर आप ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे हैं मुंह से किसी भी चीज का, तो आपको वो नहीं करना है। आपने थ्रेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुंह से, तो वो उसको ऐसा नहीं करना है। आपने याद रखना है कि आपका दांत जो है बिल्ड किया हुआ है, अदरवाइज नॉर्मल बाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक करेंगे। है। और सेकेंडली, अगर आप सपोज करिए कि उसकी अभी तो सिर्फ थोड़ा सा दांत फ्रैक्चर हुआ है, अगर उससे ज्यादा होता है, यानी कि दांत की सेकेंड लेयर इन्वॉल्व हो जाती है जिसे डेंटिन कहते हैं, तो ऐसे केसेस में भी कई बार क्या होता है, इनेमल का पीस इतना छोटा होता है, आप उसको तो नहीं देख के बचा सकते, पर अगर आपका दांत थोड़ा सा ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे केसेस में अगर सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, आपका खुद का दांत आपको मिल सकता है तो डेंटिस्ट उसी दांत को वहां पर लगा सकते हैं। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं, वो आपका खुद का दांत वहां पर डेंटिस्ट बोन कर देते हैं। अगर सपोज आपको नहीं मिलता है तो उस केस में डेंटिस्ट अगेन कंपोजिट से दांत को बिल्डअप कर देंगे, और वो नॉर्मली वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे आपका अपना दांत करता है, तो कंपोजिट से हम ऐसे बना सकते हैं। और किस तरह हम मतलब अगर वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए तो तब क्या अगर करें? अगर आपका दांत इससे भी ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, सपोज दांत की थर्ड लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है, तो ऐसे में पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द होगा, तो हम उस केसेस में हमें दांत का रूट केनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर हम फिलिंग से काम नहीं चला सकते हैं। अगर आप नहीं जानते आरसीटी क्या होता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो रूट केनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, हमारा फिलिंग से काम नहीं चलता है। सपोज कई बार दांत इस तरीके से फ्रैक्चर होता है, तो हमें दांत के अंदर पोस्ट डालनी पड़ती है, फिर हम उसके सहारे कंपोजिट से दांत बनाते हैं। ये पोस्ट क्या होता है मैम? पोस्ट क्या होता है, पोस्ट एक तरह का पिलर का काम करता है, जो दांत की रूट्स के अंदर डाल दिया जाता है, और उसके सहारे फिर हम आपका दांत बनाते हैं। ये
स्ट्रेंथ देता है क्या? हाँ, ये दांत में स्ट्रेंथ देने के लिए यूज होता है। और सपोज कि अगर वैसे पोस्ट अगर आप नहीं जानते तो हम इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं, मैं इस पे जरूर एक वीडियो बनाऊंगी, तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पोस्ट क्या होता है। तो अगर अब हम बात कर रहे थे कि दांत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, तो अगर आपका दांत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है रूट केनाल के बाद, कई बार हमें कैप भी करना पड़ता है क्योंकि दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लूज हो चुका होता है। और सपोज अगर उससे भी ज्यादा दांत टूट जाए तो हमारा अब दांत गम लेवल तक टूट गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में कई बार हमें उस दांत को रिमूव भी करना पड़ता है और उसकी जगह आपको नया दांत लगवाना पड़ता है। ऐसा भी पॉसिबल है, कई लोगों का दांत इतना टूट जाता है प्लेग्राउंड में, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? उस केस में आपको फिर आर्टिफिशियली दांत लगवाना पड़ेगा, आप ब्रिज या इम्प्लांट जो पेशेंट लगवाना चाहे वो लगवा सकता है। इम्प्लांट्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी, कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट का दांत ही नहीं बचा, दांत साथ के साथ रूट के साथ बाहर आ जाता है, इसको एवल्जन बोलते हैं कि दांत में फ्रैक्चर नहीं हुआ बल्कि रूट के साथ बाहर आ गया। ऐसे केसेस में आपको दांत को बचा कर रखना होता है, आप ढूंढिए आपका दांत कहाँ है और इमिडिएटली डेंटिस्ट को रिपोर्ट करिए कि डेंटिस्ट उस केस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो उस केस में फिर क्या होता है, वो टीथ दोबारा से लग जाता है? ये एक अलग से वीडियो रहेगी क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, हम अपनी इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर डेफिनेटली इन टॉपिक्स पे मैं आने वाले टाइम में आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी गुरप्रीत, सपोज आपका दांत फ्रैक्चर नहीं होता पर आपको चोट लगी है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको थोड़े दिन तो दर्द होगा, थोड़े टाइम में आपका दर्द ठीक हो जाएगा, पर आप क्या नोटिस करेंगे, आपके दांत का कलर चेंज होने लग जाएगा। सपोज आपको अभी कुछ नहीं हुआ, आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने देखा, तो उस केस में डेंटिस्ट एक टेस्ट करते हैं जिसे कि कोल टेस्ट कहा जाता है, उसमें दांत का रिस्पांस चेक किया जाता है आपका दांत का, क्योंकि एक्सरे जो होता है उसमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं गिरने के बाद, तो हम 3 मंथ्स के बाद फिर अगेन ये टेस्ट करते हैं कि दांत में रिस्पॉन्स है या नहीं, उसके बाद हम 6 मंथ्स के बाद दोबारा करते हैं और फिर एक्सरे लेकर देखते हैं। सपोज आपके दांत का रिस्पॉन्स चला गया है तो डेंटिस्ट को रूट केनाल करना पड़ेगा। अगर आप डेंटिस्ट के पास किसी रीजन की वजह से नहीं जा पाए सपोज, तो क्या कर सकते हैं, आप अपने दांत के कलर, अगर आपके दांत का कलर चेंज हो रहा है, सपोज साथ वाले दांत व्हाइट है, आपका ये दांत येलो हो रहा है, तो इट मींस दांत के नीचे इंफेक्शन बनने लग गया है, वो पहले येलो होगा, फिर डार्क येलो होगा, फिर थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ जाएगा। आप अपने सर्कल में बहुत देखते होंगे कि किसी का फ्रंट टूथ का कलर चेंज हो रखा है, है ना? Even my father has this problem. उनका भी एक बचपन में फ्रंट टूथ फ्रैक्चर हुआ था और अब उसका कलर चेंज होने लग गया। हाँ, ये बहुत सालों के बाद ही होता है क्योंकि इन्फेक्शन धीरे धीरे डेवलप होता है और दांत का कलर चेंज हो जाता है। तो अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपको बचपन में कोई चोट लगी थी, तो वो बताते हैं हाँ मैं एक बार गिरा था पर वो ठीक हो गया था, तो इसलिए हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया। पर ऐसा नहीं है कि आप उसका ट्रीटमेंट, आपको डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए, अदरवाइज कई बार वो इस लेवल तक, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, इस लेवल तक भी ब्लैक हो जाता है, फिर हमें दांत का अदरवाइज कैप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हमें इंटेंशनली कैप करनी पड़ती है क्योंकि हम दांत का कलर ब्लीचिंग के बावजूद भी चेंज ना कर पाए। तो अदरवाइज अगर थोड़ा सा येलो है तो हम दांत के अंदर इंटरनल ब्लीच डालते हैं, व्हाइटनिंग का एजेंट डालते हैं और वो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। दैट मींस हमें किसी भी चोट के बाद इमीडिएटली डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इमीडिएटली करना चाहिए। आपको पता है आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई है, तो उसके लिए आप खुद से डॉक्टर मत बनिए। तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, डेंटिस्ट को विजिट करिए और ताकि डेंटिस्ट आपको गाइड कर सके कि आपको क्या करना है। और लास्ट में फिर से कहूंगी कि अगर कोई पार्ट आपके दांत का टूटता है, दांत बाहर आ जाता है, तो उस पार्ट को ऐसे मत जाने दीजिए, वो पार्ट भी लग सकता है। अगर दांत पूरा आ गया है तो आपका दांत दोबारा भी लगाया जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।